दोस्तों YouTube का एक नया अपडेट आ गया है और आज से ही YouTube ने इस नए फीचर्स को सभी क्रिएटर्स के लिए रोल आउट भी कर दिया है। मींस इस नए अपडेट को सभी यूट्यूबर्स के लिए लॉन्च भी कर दिया है और इस नए अपडेट का नाम है अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नया अपडेट है, तो चलिए सब कुछ मैं इस अपडेट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक यूट्यूबर्स के लिए यह अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इस वक्त AI का जमाना आ गया है और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ AI भी अब YouTube में आपको देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम पे YouTube में बहुत ज्यादा AI का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। AI के मदद से आप अपने वीडियो को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं और अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करके पैसे भी कमा सकते हैं, मतलब AI का फुल सपोर्ट अब आपको YouTube पे देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये AI क्या है, तो मैं आपको बता दूं, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI के मदद से आप कुछ ऐसा कंटेंट बना सकते हैं, कुछ ऐसी वीडियो बना सकते हैं जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगती है, जो कि रियल होती नहीं है लेकिन रियल लगती है, और इसके मदद से आप अपने कंटेंट को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जहां पे एक तरफ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो कुछ लोग इसका गलत यूज भी करते हैं, मतलब मिस यूज भी करते हैं। जैसे दोस्तों AI की मदद से कुछ लोग क्या करते हैं ना कि गलत कंटेंट अपलोड करते हैं, जैसे कि किसी मान लीजिए फेमस कोई लड़की है या कोई फेमस एक्टर है उसकी फोटो को लेके कोई न्यूडिटी कंटेंट है, न्यूडिटी वाली गर्ल है उस पर ऐड कर देते हैं, मतलब बॉडी किसी और का, फेस किसी और का, उसको ऐड कर देते हैं उस लड़की को बदनाम करने के लिए या उसके साथ स्कैम करने के लिए। तो इसी को देखते हुए YouTube ने इस नए पॉलिसी को लाया है, इस नए अपडेट को लॉन्च किया है जिसका नाम है अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट। इसमें क्या होगा, सभी क्रिएटर्स को इस नए पॉलिसी को फॉलो करना होगा और उसी के हिसाब से आपको अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करना होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और इजी करके आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एक क्रिएटर्स हैं, अपने YouTube चैनल पे लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते होंगे। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अपने वीडियो में यह मेंशन करना होगा, यानी बताना होगा कि आपका यह जो कंटेंट है ना AI बेस पे तैयार किया गया है या आपने अपने इस वीडियो में AI का कंटेंट यूज किया है। जैसे दोस्तों आप अपनी वीडियो को जब अपलोड करते हैं तो वहां पे YouTube आपको बहुत कुछ चीजें पूछता है कि जैसे कि आपकी यह जो वीडियो है मेड फॉर किड्स है कि नहीं, या फिर नॉट मेड फॉर किड्स है, या पेड प्रमोशन वीडियो है कि नहीं। तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं ना कि आपका पेड प्रमोशन है या नहीं, या सोनो करके जो भी आप होता है आप उसको अपलोड करते हैं। इसी तरीके से अब क्या होगा, जो भी आप अपनी लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे या शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वहां पे यह बताना होगा कि आपका यह जो कंटेंट है AI बेस पे तैयार किया गया है। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आप मेरी तरह नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, कोई AI का कंटेंट यूज ही नहीं कर रहे हैं या AI द्वारा अपने वीडियो तैयार ही नहीं कर रहे हैं या AI का कोई इमेज फोटो वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहां पे नो सेलेक्ट करके अपने वीडियो को अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप अपने वीडियो में AI के मदद से अपने वीडियो को तैयार कर रहे हैं या AI का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आपको अपने वीडियो में मेंशन करना होगा, उसको यस करके सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपने वीडियो को अपलोड करना होगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप अगर यस करके उसको अपने वीडियो को अपलोड करेंगे और आपकी लॉन्ग वीडियो होगी तो जब भी कोई आपकी लॉन्ग वीडियो को देखेगा तो लॉन्ग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके जब जाएगा तो वहां पे आपको वो मेंशन किया हुआ देखने को मिलेगा कि यह जो कंटेंट है ना इसमें AI का मदद लिया गया है या AI द्वारा यह कंटेंट को इस्तेमाल किया गया है। या फिर दोस्तों जब भी आप शॉर्ट वीडियो AI की मदद से बनाएंगे या AI कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्ट वीडियो में ही लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यह AI द्वारा कंटेंट तैयार किया गया है, वहां पर मेंशन किया हुआ लिखा हुआ देखने को मिलेगा अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट। अब दोस्तों मेन पॉइंट की बात आ जाती है ना कि अगर आप लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए दोस्तों अगर आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, AI का कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको नो करके सेलेक्ट करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा यूट्यूबर्स है वह AI द्वारा अपनी वीडियो को जनरेट कर रहा है या AI का कंटेंट इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को अपलोड कर रहा है और उसको यस सेलेक्ट करना चाहिए, अगर वो यस सेलेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इसको समझिए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप AI द्वारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और यस सेलेक्ट नहीं करेंगे तो YouTube का सिस्टम इतना स्मार्ट है, YouTube का एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है, वो तो तुरंत पकड़ लेगा या थोड़ी देर के बाद तो पकड़ ही लेगा कि आपका यह जो कंटेंट है ना AI द्वारा तैयार किया गया है। तो अगर आपने AI द्वारा कंटेंट तैयार किया है और आप उसको यस सेलेक्ट नहीं करेंगे, पता है क्या होगा, YouTube जैसे ही पकड़ेगा कि आपका यह कंटेंट AI द्वारा तैयार किया गया है और आपने इसको यस करके सेलेक्ट नहीं किया है तो उस वीडियो को YouTube क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यानी आपके YouTube चैनल से डिलीट कर देगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि YouTube आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम से हटा दे, मतलब कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो
तो उसको डीमोनेटाइज भी कर सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि YouTube इसके अलावा कोई और भी आपको पेनाल्टी लगा सकता है, जैसे कि हो सकता है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दे या आपके YouTube चैनल को डिलीट कर दे, कुछ भी हो सकता है। मिला जुला के दोस्तों डरने घबराने वाली बात नहीं है, ये अपडेट उनके लिए है जो AI द्वारा वीडियो को तैयार करेंगे या तैयार करते हैं। उनको अब अपने वीडियो में मेंशन करना होगा कि आप AI द्वारा अगर वीडियो को बना रहे हैं तो आपको यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। बाद बाकी इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है, ये सभी लोगों की सिक्योरिटी के लिए सभी लोगों की हेल्प लिख किया गया है ताकि YouTube पे लोग AI का कंटेंट इस्तेमाल करें लेकिन उसको गलत तरीके से कोई भी इस्तेमाल ना करे। उम्मीद है आपको अपडेट समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज अभी आपको मैं बता दूं, ये जो अपडेट है ना, अभी आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे ना वहां पे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, मोबाइल वर्जन पे अभी आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में या आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको सभी लोगों के लिए मोबाइल पे भी ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये अपडेट कैसा है और आपको ये अपडेट मिला है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।